हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सालसा सॉस, जो कि मैक्सिकन रेसिपीज में बहुत ही यूज आता है। इसे घर पर बनाना बहुत ही इजी है। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा सालसा सॉस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सालसा सॉस बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज टमाटर कटे हुए, 4 पीस लहसुन के, बारीक कटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। सॉस रेडी करने के लिए हमने टमाटर को जार में डाल दिया है। लहसुन के पीसेस को भी हम जार में डाल देंगे और जो हमने मसाला रेडी रखा है इसे भी हम जार में डाल के अध कचरा हमें इसे पीसना है। इसे बीच में हमें चेक कर लेना है कि ये बहुत ज्यादा ग्राइंड ना हो गया। ये अध कचरे पिसे हुए मसाले को हमने एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम टोमेटो सॉस मिक्स करेंगे, इससे थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया मिक्स करेंगे। ये हमारा सालसा सॉस रेडी है, जिसे हमने होममेड व्हीट नाचोस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाए थे, उसके साथ प्रेजेंट किया है। अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।